प्रिय विद्यार्थियों, द्वितीय वर्ष में हमने पूर्व की कक्षा में आधुनिक काल के भारतेंदु युग को पढ़ा है। भारतेंदु युग के बाद दूसरा युग द्विवेद युग होता है। द्विवेद युग की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन से कवि हुए हैं और कौन कौन से नीतियाँ द्विवेद युग में चलकर साहित्य लेखन में काम आई, इन सब पर हम अब अध्ययन करेंगे। हिंदी कविता का भारतेंदु युग अपनी नव चेतना के कारण प्रसिद्ध है, तो द्विवेद युग सुधार और परिष्कार के कारण। भारतेंदु युग में रीतिकाल के जो अवशेष थे वे द्विवेद युग तक आते आते समाप्त हो गए। जीवन और साहित्य सुधार परिष्कार के रंगों में रंगकर आदर्श, नैतिकता और देशभक्ति के प्रशस्त पथ पर चल पड़ा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभावशाली और अनुशासन प्रिय व्यक्तित्व के कारण कवि व्याकरण निष्ठ परिष्कृत खड़ी बोली में परंपराओं के नवीनीकरण की ओर भी झुके तथा मर्यादित मानव संबंधों के निरूपण में भी लगते गए। इस काल में रचित कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं: देशभक्ति और राष्ट्रीयता। यह प्रवृत्ति पुनरुत्थान और राजनीतिक चेतना का परिणाम थी। इस काल के प्रायः सभी कवि आत्माभिमान और देशाभिमान की भावना से भरपूर थे। द्विवेदी युगीन कविता में उपलब्ध राष्ट्रीयता के अनेक रूप हैं: मातृत्व भावना, सांस्कृतिक दृष्टि का प्रसार, जन्मभूमि का देवीकरण और राजनीतिक चेतना आदि राष्ट्रीयता के ही विविध अंग है। उदाहरण है, देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। दूसरा बिंदु आता है, मानवतावादी दृष्टिकोण। इस काल में जो स्थान और गौरव मानव को प्राप्त हुआ वह पूर्ववर्ती काव्य में अमान्य, ईश्वर, ईश्वरावतार, राजा, सामंत, योद्धा या फिर अनेक विध नायिकाओं आदि को ही प्राप्त था। इस काल में जो मानवतावादी दृष्टि मिलती है उसके तीन रूप है: नारी स्वतंत्रता और समानता की भावना, भावना पीड़ित व दुखियों के प्रति सहानुभूति का प्रकाश, मानवीय गुणों की सहज स्थापना द्वारा सत्य के स्वरूप की निवृत्ति। आप आंखें खोल करके देखिए, आज जितनी जातियां हैं सिर धरी, पेट में उनके पड़ी दिखलाएगी, जातियां कितने सशक्त या मरी। तीसरा है, नीति, आदर्श और मानवता। द्विवेदी युगीन काव्य आदर्शवादी और नीतिपरक है। इतिहास पुराण से गृहित कथा प्रसंगों के आधार पर अथवा कल्पनाश्रित उज्ज्वल कथाएं लेकर आदर्श चरित्रों पर अनेक प्रबंध काव्य लिखे गए। उन सभी में असत्य पर सत्य की विजय दिखलाई गई है। स्वार्थ त्याग, कर्तव्य पालन, आत्मगौरव आदि उच्चादर्शों की प्रेरणा दी गई है। उदाहरण दिया उन्होंने, गंधविहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यों ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। अगला बिंदु है, प्रकृति निरूपण। द्विवेदी युग के कवि का ध्यान प्रकृति के यथातथ्य वर्णन की ओर गया। इस काल के अनेक कवियों की दृष्टि प्रकृति के विभिन्न पक्षों पर गई और प्रकृति उस समय कविता का वर्ण्य विषय बन गई।
इसी दिशा में श्रीधर पाठक, हरिओम गुप्त, रामचंद्र शुक्ल और राम नरेश त्रिपाठी के नाम विशेष उल्लेखनीय। एक उदाहरण देखिए। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, पीयूष स्रोत से बहा करो अग्नि और अंबर तल में। अगला बिंदु है इतिवृत्तात्मकता। द्विवेदी जी की आदर्शवादता सात्विक और संयम के प्रभाव के साथ साथ आर्य समाज तथा दूसरी संस्थाओं के प्रभाव के परिणाम स्वरूप श्रृंगार रस की अश्लीलता और उश्रृंखलता के रूप को समझकर कविता क्षेत्र से उसका बहिष्कार कर दिया गया। इससे कविता में इतिवृत्तात्मकता की प्रवृत्ति ने जोर पकड़ा। कविता में इतिवृत्तात्मकता की प्रवृत्ति के फलस्वरूप उसमें लाक्षणिकता, चित्रमय भावना और वक्रता बहुत कम रह गई, जो इस संसार की गति को तीव्र करके सहृदय के मन को आकर्षित किया करती है। अगला बिंदु है कालानुसरण की क्षमता। इस काल के प्रायः सभी कवियों में युग की बदलती हुई भावनाओं को आत्मसात करने की शक्ति तथा काल क्रमानुसार अद्भुत काव्य रूपों और शैलियों को अपनाने की अपार क्षमता है। गुप्त इस काल के ज्वलंत उदाहरण हैं। इस युग का कवि संक्रमण काल से गुजर रहा था। युग के प्रतिनिधित्व के लिए उसके लिए ऐसा करना स्वाभाविक भी था। उर्दू के कवि गालिब के शब्दों में, चलता हूँ थोड़ी दूर तक हर एक तेज रो के साथ, पहचानता नहीं हूँ अभी रहबर को मैं। अगला बिंदु है बौद्धिकता की प्रधानता। इस युग का कवि और उसका काव्य दोनों पाश्चात्य संस्कृति के बौद्धिकतावाद से अत्यंत प्रभावित है। प्रस्तुत युग के कवि को हिंदू जागरण के लिए भारत के अतीत गौरव और सांस्कृतिक उच्चता का प्रतिष्ठापन करना अभीष्ट था, क्योंकि इसके बिना अंग्रेजी शासन में, अंग्रेजी सभ्यता के रंग में अंधवत बहने वाले भारतवासी के मन से हीनता की भावना का निराकरण असंभव था। अतः इस युग के कवि ने अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति की बौद्धिक व्याख्या की। अगला बिंदु है अन्य विशेषता। इनमें विषय वैविध्य की प्रवृत्ति, देश के अतीत का गुणानुवाद और अनुवाद कार्य को भी लिया जा सकता है। हिंदी भाषा और साहित्य को समृद्ध बनाने के लोभ के कारण देशी विदेशी साहित्य की कविताओं का हिंदी खड़ी बोली में अनुवाद किया गया। अगला बिंदु है अभिव्यंजना कौशल। अभिव्यंजना कौशल की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। भाषा की दृष्टि से खड़ी बोली की प्रतिष्ठा हुई है, उसे परिष्कृत व व्याकरण शुद्ध रूप में प्रयोग किया गया। ब्रजभाषा को अपदस्थ करके गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में खड़ी बोली को सस्नेह और साग्रह अपनाया गया है। अगला बिंदु है काव्य रूपों की विविधता भी आलोच्य काल की उपलब्धियों में परिगणित की जाती है। इस काल के कवियों में प्रबंध काव्य, खंड काव्य और प्रगीत मुक्तकों का भी प्रणयन किया गया। अंतिम बिंदु है छंदों की दृष्टि से भी इस काल में हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी के छंदों का प्रयोग किया गया है। छंदों के क्षेत्र में नवीनता तो कवि न ला सके, किंतु भाषा का परिष्कार अवश्य कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतेंदु युग के बाद दूसरा युग द्विवेदी युग, जो क्रांतिकारी युग के विषय में कहा जाता है, उस युग ने थोड़ी अलग हटकर अपनी विशेषताएं दी है, जो इस युग को आधुनिक काल के अन्य युग से अलग करती हैं। धन्यवाद।